नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय निर्देश शशांक शेखर के साथ। आज हम आए हैं राजापुर पंचायत के मानिकपुर गांव के मुखिया प्रत्याशी पिंकी देवी जी के यहाँ। तो आइए इनके मुखिया प्रतिनिधि, इनके हस्बैंड दीपक कुमार सिंह और दीपू जी से बात करते हैं कि ये मुखिया का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। नमस्कार मुखिया जी, आपका स्वागत है चैनल में। नमस्कार, विजय निर्देश न्यूज का मेरे यहाँ आपका स्वागत। थैंक यू सर। जब 2016 में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, उस समय भी हम चुनाव लड़े थे। उससे पहले और उसके बाद भी हम अपने पंचायत के हर गांव का भ्रमण किए। हमारे पंचायत में 60 गांव, यहाँ से लेकर मणिपुर से लेकर निलामक तक। तो भ्रमण करने के पश्चात हमको यही दिखाई दिया कि हर वार्ड में, हर गांव में गरीब तबके के जितने लोग हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या तो धनवान भी जो हैं, सारे जगह पर हम गए तो सही रूप से विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं हो पाया, रोड नाली गली का निर्माण नहीं हो पाया, शौचालय का निर्माण हर घर में नहीं हो पाया। तो हम देखे कि हमारे पंचायत में चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधि जो आए, तो हम सोचे कि अब फिर विकास होगा, विकास होगा तो अच्छा बात है। पुनः हम साल दो साल अपने पंचायत में भ्रमण करते थे, जाते आते थे, हर लोगों से मिलते थे। मिलते जुलते रहने के क्रम में ही कोई जनता हमसे कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, सभी का शिकायत सुनना, सभी का बात विचार को देखना, अपने पास रखना किए। लेकिन आज तक पंचायत का विकास सही रूप में नहीं हो पाया। सही रूप से शौचालय का निर्माण भी नहीं हो पाया। हर घर में सरकार की योजना था शौचालय का, शौचालय में बंदरबांट सरकारी तंत्र के द्वारा भी हुआ और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा भी हुआ। इसके बाद हमारे इंदिरा आवास का जो योजना था, उसमें भी अभी तक 50% इंदिरा आवास फेल है। किसी का मकान नहीं बना है, किसी का आधा अधूरा रह गया है, उसके पीछे क्या कारण है ये तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा। सभी जगह हम गए, झुग्गी झोपड़ी में गए, बिनगामा गए, इंग्लिशपुर ग्राम में गए, इसके बाद पचरुखिया गए, कला पचरुखिया गए, यहाँ और कोलरामपुर के पास जो पचरुखिया है वहाँ गए, वहाँ बिन टोली में भी हम भ्रमण किए। वहाँ हर जाति के, हर समुदाय के लोग हैं, सभी लोगों से मिले जुले, तो हमको देखने में यही मिला कि सुचारू रूप से विकास अभी तक नहीं हो पाया। इस पूरे पंचायत में घूमने के बाद, हाँ, सारे पंचायत का भ्रमण आप किए, मुखिया हारने के बाद भी भ्रमण आप जी जी, तो कहीं कोई विकास नजर नहीं आया। भ्रमण करते करते किसी का कभी कोई जरूरत पड़ जाता है तो हमको याद करते हैं कि यहाँ ये काम है, वहाँ वो काम। हम निस्वार्थ सभी के साथ जाते आते हैं, दौड़ते हैं। स्वास्थ्य पर आप क्या बोलना चाहेंगे? स्वास्थ्य समस्या हमारे यहाँ है, जैसे कि हमारे गांव में 6 बेड का जो अस्पताल है मृत प्राय है काफ़ी दिनों से। हम कोलवर सदर अस्पताल के प्रभारी से भी मिले थे, कहें आरा में भी बात उठाए हम, तो इस पर एक बार टीम आया था जांच करने के लिए, उनसे भी बात किए, इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। यहाँ एक डॉक्टर का व्यवस्था और कंपाउंडर का व्यवस्था किया जाए, नर्स का, ताकि यहाँ के गरीब लोग जो कोलवर और आरा जाकर इलाज कराते हैं, बिनगामा से भी लोग बढ़ारा जाते हैं इलाज कराने, वो हमारे यहाँ आकर इलाज कराएँ और सही समय पर सभी को दवा सुई पहले पड़ती मतलब मिले। लेकिन ये तो अभी तक मिल पाया है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे चुनाव जीतने के बाद स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसको सुचारू रूप से। चुनाव में आपकी क्या क्या ये है योगदान होंगी या आपकी प्राथमिकता क्या होंगी? चुनाव में हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, बच्चों को सही रूप से शिक्षा मिले, सही समय पर
बच्चों को मिले। जैसे कि हमारे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉपी किताब पेंसिल कलम बहुत चीज़ की ज़रूरत होती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि स्कूल समय पर नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए घूम घूम कर सभी को प्रेरित करना है। और सही समय पर स्कूल खुले, सही समय पर स्कूल बंद हो, पठन पाठन सही सुचारू रूप से हो, शिक्षा पर तो ये प्राथमिकता हमारा पहला रहेगा। जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? जी, जनता के पास हम जब भी गए या जनता हमसे भेंट किए तो उन्होंने यही बात हमारे समक्ष रखे कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़िए, आप जैसे लोगों की हमारे पंचायत में जरूरत है। हम निस्वार्थ भाव से जनता का सेवा करते हैं, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। चुनाव जीतना हारना ये अलग बात है, हम पहले भी जनता के साथ थे, आज भी हैं और आगे दिन भी रहेंगे, और जनता के मार्गदर्शन और निर्देश पर ही हम चुनाव में फिर उतरेंगे। ये थी हमारी और इनकी बात। इन्होंने पंचायत के विकास के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए ठाना, और इनका ये भी कहना है कि हम अपने से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हमको जनता ही बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना।